सदर तहसील क्षेत्र के थाना कैंट के बेतिहाता व शाहपुर के आवास विकास कॉलोनी और जरना टोला हॉटस्पॉट एरिया का रविवार को एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने एरिया को 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 मीटर के परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए सील कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। जी हेलो, जी जी हाँ डॉक्टर साहब, नहीं इसमें इनको बता दिया, थोड़ा सा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल बाउंड्री की रही थी, कल हमने उसको भी 22 तारीख को हुआ, 22 को हुआ है ना, 7-8 दिन ही हुए हैं। और पवन बिहार जनरेटोला वो खत्म हो गया, पवन बिहार वाला खत्म हो गया, 14 दिन हो गया, अभी खुलवाया गया, लेकिन पवन बिहार वाला ना, हाँ उसका आदेश कर देंगे हम, आज खोल देंगे उसका आदेश कर देंगे, उसमें फिर नेगेटिव भी आ गया वो व्यक्ति, वाला भी नेगेटिव आ गया, ठीक है 14 दिन हो जाएंगे तो खत्म कर देंगे। अच्छा ये तीन है और पहले वाला जो था वो तो उधर सब पीछे था, सबसे शुरुआत में जो था, ठीक है इसमें बस वही करना जी अपने को ना, कोई व्यक्ति ना निकले और अपना रोज सैनिटाइजेशन होता रहे। आज शहर में दो हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया गया, एक थाना कैंट के अंतर्गत बेतिहाता में एक 58 साल के व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए और उसके संपर्क में आए लगभग 18 व्यक्ति थे, उस एरिया को सील किया गया और 18 व्यक्तियों को सबको टीबी अस्पताल भेजा गया जहां उनका सैंपल टेस्ट होगा और उसके बाद रिपोर्ट आएगी। इसी दूसरे थाना शाहपुर अंतर्गत झरना टोला वहां पर भी एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है, उस एरिया को भी सील किया गया है और वहां पे भी अब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। सैनिटाइजेशन नगर निगम के द्वारा कराया गया और जितने भी व्यक्ति पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और उन सबको शिफ्ट कराया जाएगा और उनके सैंपल भी लिए जाएंगे। इसके साथ साथ अभी फातिमा हॉस्पिटल में दो व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं और फातिमा हॉस्पिटल के जिस वार्ड में वो पॉजिटिव मिले उस वार्ड को सील करा दिया गया है, वहां पर सैनिटाइजेशन हो गया है और आवास विकास कॉलोनी थाना शाहपुर अंतर्गत वहां पर भी एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है, वहां पर भी इसको सील करा दिया गया है और सैनिटाइजेशन हो गया है, वहां पर भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जितने भी व्यक्ति पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं उन सभी का कॉन्टैक्ट लेकर उन सबको सैंपल के लिए भेजा जाएगा और साथ ही साथ वहां पर आवागमन निरुद्ध रहेगा, कोई भी प्रवेश और उसपे बंद रहेगा और जितने भी प्रतिष्ठान है सब बंद रहेंगे सारी 14 दिन के लिए, या तो जब तक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो जाता। इसी तरीके से आज शहर में 3-4 जगहों पे हमने ये हॉटस्पॉट बनाए हैं।